फाइनली एक और रिमेक आ गया है, जिस रिमेक का नाम है हीट द फर्स्ट केस। ये रिमेक नाम सुनने के बाद ना दिल से पहला रिएक्शन यही आता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब अभी हो क्या गया है यार हमारे बॉलीवुड को यार, मतलब अब से ना हर मंथ में ना एक आध रिमेक तुम सबको देखने को मिलने ही मिलने वाली है। अगर रिमेक नहीं बनाएगा बॉलीवुड तो उसके साथ साथ तुम्हें बायोपिक तो एट एनी कॉस्ट देखने को मिलने वाला है। हाँ, बॉलीवुड वालों के पास अब स्टोरी के नाम पे ना कुछ नहीं है, सीरियसली कंटेंट के नाम पे ना इन लोगों के पास कुछ नहीं है। दो चार चीजें हैं, रिमेक कर लेना है और दूसरा किसी की बायोपिक फेल देनी है भाई, इससे ज्यादा ये लोगों के पास कुछ नहीं है। सी टॉपिक पर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि इस टॉपिक पर हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो में बात कर रखे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं हीट द फर्स्ट केस, क्या ये फिल्म को देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपने भाई लोग हैं जो लोग भाई ओरिजिनल हीट द फर्स्ट केस को वो लोग देख लिए। मजे की बात ये है ओरिजिनल हीट द फर्स्ट केस भाई हिंदी में अवेलेबल है, यूट्यूब पर सर्च करो या फिर इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो तुम लोग को ओरिजिनल वाला वर्जन हिंदी में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। यार राजकुमार राव अपने एक्टिंग के जरिए विश्वास सेन के एक्टिंग को मैच कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, क्योंकि विश्वास सेन ओरिजिनल हिट द फर्स्ट केस में थे यार, और इसमें रिमेक में अपने राजकुमार राव है। और एक चीज और मैं तुम लोग के स्टार्टिंग में कहना चाहता हूँ, मैं इस फिल्म को सिर्फ राजकुमार राव के लिए देखने के लिए गया हुआ था, ओनली राजकुमार राव यार। मुझे पता था ये फिल्म का स्टोरी क्या होने वाला, साथ साथ यहाँ मुझे पता था इस फिल्म में मुझे कोई ज्यादा नई वाली चीजें देखने को नहीं मिलने वाली, और ऐसा ही हुआ। मुझे इस फिल्म में ना कोई भी ऐसी चीजें नई देखने को नहीं मिली जो चीजों को मैंने हिट द फर्स्ट केस के ओरिजिनल वाले वर्जन में नहीं देखा था। सारी चीजों को लगभग ये रिमेक में ना डाल दिया गया है, क्योंकि दोनों फिल्मों के डायरेक्टर सेम है तो मुझे पता था यार जब डायरेक्टर सेम है तो भाई डायरेक्टर ने कुछ ज्यादा यूनिक करने की कोशिश किया ही नहीं होगा यार। बात करते हैं अपने राजकुमार राव का परफॉर्मेंस कैसा, उससे पहले मैं इस फिल्म के स्टोरी को एक लाइन में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ जो भी लोग ओरिजिनल वाले वर्जन को नहीं देखे हो उन लोग के लिए। जयपुर के आसपास ना भाई कुछ लड़कियों का ना भाई किडनैपिंग हो रहे होते हैं, सो यही चीज के इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने राजकुमार राव। और राजकुमार राव खुद एक बीमारी से ग्रसित है, जब भी वो डेड बॉडी देखते हैं उनके अंदर ना कुछ उल्टी पुल्टी चीजें होने लगती है। जब ये फिल्म देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में उनके साथ क्या होता है, और साथ साथ जो राजकुमार राव की लव लेडी होती है वो भी किडनैप हो जाती है, तो वो कैसे बचाते हैं, क्या क्या सारी चीजें होता है, यही सब सारी चीजें तुम्हें इस फिल्म में देखने को मिलने वाली। हम लोग बात करते हैं राजकुमार राव का परफॉर्मेंस कैसा। नो डाउट राजकुमार राव एक बेहतरीन एक्टर है यार, सीरियसली। और यहाँ इस फिल्म में भी राजकुमार राव ने अपना 110% दिया है, बट कुछ कुछ जगह पे तुम्हें विश्वास सेन की याद आएगी, मीन्स विश्वास सेन ने जो काम किया बाद अपने पहले पार्ट में उसको भुला पाना यार टू डिफिकल्ट। मैं राजकुमार राव का फैन हूँ लेकिन फिर भी ओरिजिनल वाला जो कैरेक्टर जिस तरीका से विश्वास सेन ने प्ले किया हुआ था ना भाई, वो मुझे कहीं कहीं ना भाई याद आ रहा था। बात करते हैं सान्या मल्होत्रा क्या सीन है। सान्या मल्होत्रा भाई इस फिल्म में राजकुमार राव के लव लेडी बनी हुई है, इनका भी काम अच्छा है, ज्यादा कुछ बड़ा रोल नहीं है, बट हाँ जब भी आती है वो अच्छा अपना काम करके चली जाती है। सो अब बात करते हैं स्क्रीन प्ले का क्या सीन है। मैंने स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा फास्ट है, मीन्स ये लोग इतना ज्यादा फास्ट रखे हैं किसी भी कैरेक्टर के ना डेप्थ पे गए ही नहीं है। सो ओवरऑल ये फिल्म वन टाइम वॉच वाली फिल्म है, बट उनके लिए जो लोग भाई ओरिजिनल वर्जन को नहीं देखे। चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।